दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके फिर से हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। कार्यक्रम अपन विशेष में विशेष प्रसंग पर बातचीत करी छी विशेष व्यक्तित्व के आमंत्रित कर। आजुक दिन हम सब बातचीत करब भादो 8 गते सर्वोच्च अदालत से एक मधेशी आदिवासी जनजाति वा कही जे पिछड़ा वर्ग जरा कहे उपेक्षित वर्ग कहे वही समुदाय के वही समाज के हक में एक बहुत बढ़िया निर्णय भेल छे। सर्वोच्च अदालत निर्देशनात्मक आदेश जारी कयने छे जे जतेक सरकारी शिक्षण अस्पताल सब छे जत चिकित्सा शास्त्र पढ़ाई होइ छे ओहिमे 45% आरक्षण के व्यवस्था होबे चाही। ओहिमे मधेशी आदिवासी जनजाति वा कही उपेक्षित वर्ग के धियापुता सब निःशुल्क अध्ययन कर सके एहन व्यवस्था भेल छे। एहिसँ आब अपने सब सेहो अंदाजा लगा सकै छी जे कतेक सहजता हेतै वही वर्ग के विद्यार्थी के लिए जे सब टैलेंसी होइतो में एक डॉक्टर बन सब वंचित हो जाए स्पेशलिस्ट बन सब वंचित हो जाए आ बाध्य भाकर ओवरसियर इंजीनियर पेशा हो जाए आ जिंदगी पर पछताए छे। अतिक निक काज के निहार एक मधेशी युवा सबके टीम छे जाए टीम में एगोटे भरखरे मेडिकल वा कही MBBS पढ़ के पास आउट भेल छथि ओ छथि डॉक्टर सोगेंद्र मंडल जी। हुनका सेहो हुनका सबके एक टीम छै डॉक्टर विनय पजियार सेहो छै टीम में यावत मति समुदाय के प्रोफेसर सब छथिन अधिवक्ता सब छथिन हुनका सबके समग्र एक टीम के प्रयास से ई काज सफल भेल छै। त आजुक दिन हमरा सबक अतिथि छथि डॉक्टर सुगेंद्र मंडल जी। हुनका संगे बातचीत करब जे केना संभव भेलै आ एकर बाद के हुनका सबके भोगे पड़े वाला समस्या सब चुनौती सब आ एकरा केना सफल करे के प्रयास करथिन सब। सुगेंद्र जी स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरू करी अपने सब के यात्रा जैमे सफलता प्राप्त करे छी अपने सब कांसेप्ट कत सैले आ चुनौती सब के भेटल अपने सब के जी। हमरा सब के जब MBBS में प्रवेश के लिए ना MBBS परीक्षा एंट्रेंस दके जब प्रवेश के लिए हम तो ना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट छी KMC के विद्यार्थी छी विनय भाई हमरा सब के टीम के छथिन ओ अहाँके टीचिंग अस्पताल के विद्यार्थी छथिन। तो हमरा सबके की अनुभव भेलै कि जब देखलियै ने अहाँके मधेशी विद्यार्थी के उपस्थिति बहुत न्यून छलै ओहिमे जेना 60 इनटेक होइ छलै जेना टीचिंग अस्पताल के हम उदाहरण दै लए चाहब 60 इनटेक होइ छलै तऽ ओहिमे जम्मा 2-3-4 मधेशी फेस देखाइ छलै। तऽ हमरा सबके की अनुभव हुअ लागल कि ई जे कतौ सिस्टम मे फेल्युअर छै कमी छै जाहिके कारण छै जे छै मधेशी समुदाय के जनजाति समुदाय के दलित समुदाय के विद्यार्थी के उपस्थिति किया कम भ रहल छै तऽ कतौ फेल्युअर है कतौ अहाँके सिस्टम मे डिफेक्ट है। हमरा सब तकर बाद जे छै बहुत डिस्कशन के बाद प्रोफेसर लेक्चरर और अधिवक्ता सबके सबके डिस्कशन के बाद हमरा सब ई निष्कर्ष में पुगली कि जब तक समानुपातिक समावेशी के अवधारणा के हरेक टेक्निकल एजुकेशन में जब तक लागू नहीं कयल जेतै एकरा अंतरिम संविधान 2063 के देला अधिकार आई 2073 भ गेलै 10 साल भ गेलै लेकिन ओकर कोनो किस्म के ओहिमे पहल है ना सरकार के राज्य के पक्ष से कोनो किस्म के ओहिमे जे छै अहाँके ओहिमे सक्रियता नहीं देखल छै कि अवस्था तेहन छै अखन। तो हमरा सबके कंक्लूजन में की पुगली कि जब तक समानुपातिक समावेशी के अवधारणा के हरेक टेक्निकल एजुकेशन में लागू नहीं कयल जेतै तब तक इक्वालिटी शिक्षा में इक्वालिटी नहीं होते। जब तक शिक्षा में अहाँ के इक्वालिटी नहीं होते तब तक हमर अहाँ के समाज के अहाँ के एक डिबेट करे के क्षमता एक अहाँ के ब्यूरोक्रेसी लेवल में पॉलिसी लेवल मेकिंग में हरेक लेवल में सरकारी निकाय के राज्य के हरेक निकाय में जब तक मधेशी जनता के मधेशी के भूमि के जे है से नेतृत्व नहीं हेतै तब तक जे है से इक्वालिटी नहीं भ सकते। से कंक्लूजन में पुला के बाद हमरा सब ई डिसीजन के लिए निर्णय के लिए संपूर्ण टीम के सब साथी और मिलके कि जना तना जे है से समानुपातिक समावेशी 2000 अंतरिम संविधान 2063 के देला अधिकार छै एकरा जेना भी कोनो भी हालत में एकरा स्थापित करे के छै। तेकर बाद हमरा सब मिशन में लगली आरक्षण मिशन कहके चलेली टीचिंग अस्पताल में जैमे हमरा सब के मधेशी यूथ थिंक टैंक के सब टीम मेंबर सब के साथ रहले एमे। तेकर बाद प्रोफेसर हम नामे लेला चाहब डॉक्टर परशुराम मिश्रा सर निरंजन सर इनका सब के मार्गदर्शन के साथ साथे और जते भी विद्यार्थी संगठन छै देश के 22 विद्यार्थी संगठन तेकर बाद आदिवासी जनजाति महासंघ तेकर बाद आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ हिनका सबके सबके सहयोग रहले आ हमरा सब आंदोलन के थालनी के लिए पटक पटक सहमति भेलै ओहिमे डीन के कार्यालय में गेलिए VC के कार्यालय में गेलिए तालाबंदी के लिए है ना सब सब मतलब प्रोसेस के लेकिन तैयो पर सुनवाई
ओके एकरा सब के अथी हमरा सब पहल नहीं देखली तो कंक्लूजन की ले कि एकरा जे से न्यायिक पक्ष जुडिशियरी में गेला के बाद ही एकर जे समस्या के समाधान भ सके। तेकर बाद हमरा सब 2069 साल में नीरज कुमार शाह के नाम से जो एक विद्यार्थी छे जो एंट्रेंस एग्जाम में अपियर छे ओकर नाम से जे समानुपातिक समावेशी लागू होने पड़े कहे एक रिट दायर कर लिए सर्वोच्च में आ ओकर अहाँ के जे रिट दायर करे बेर में अधिवक्ता देवेंद्र झा छलखिन उनके अगुवाई में ये रिट दायर भेलै। लेकिन विड़म्बना छै अपना सबके देश के एक न्यायिक जुडिशियरी में भी अहाँ के भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन देखेले केहन केहन भेदभाव देखले अपने जी जना मुदा दर्ता करेली हमरा सब 2069 साल में लेकिन 3 साल बीतला के बाद भी अहाँ के मुदा के की करे छले तो रजिस्ट्रार सब जे होय छे मुदा के जो लिस्टिंग होय छे तो उ लिस्टिंग में जे है 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर या लास्ट तीर पारि दे छले जेके कारण जे सुनवाई में जाय छले बेंचे में जेबे नहीं करे छले सुनवाई हेतै तब ना फैसला हेतै छले। लेकिन ई बात ई खास आर्य समुदाय के लोग जानै छले कि यदि बेंच में चल जेतै ई मुद्दा तो एमे कोनो ना कोनो डिसीजन दिए पड़तै न्यायाधीश सबके ते दुआरे एकरा सब उ पालुए नै आबै छले। हमरा सबके अथक प्रयास के बाद रजिस्ट्रार के अहाँ के माने अधिवक्ता के भेट के ओकरा सबके कन्विंस क के हमरा सब मुद्दा के 1 नंबर में पारे के सफल भेलै। ओकरे फलस्वरूप जे है से एक प्रोग्रेसिव बेंचो छले आनंद मोहन डॉक्टर आनंद मोहन भट्टराय अहाँ के सपना प्रधान मल्ल के संयुक्त इजलास छले इजलास नंबर 4 में छले मुद्दा 1 नंबर में पड़ले आ हुनका सबके बहुत बड़का प्रोग्रेसिव एक ऐतिहासिक डिसीजन भेले कि समानुपातिक समावेशी के हरेक तह तबका में अहाँ के अंडर ग्रेजुएशन से लगे पोस्ट ग्रेजुएशन से लगे हरेक हरेक तह तबका में मेडिकल एजुकेशन से लक इंजीनियरिंग अहाँ के एग्रीकल्चर वेटनरी हरेक टेक्निकल एजुकेशन में समानुपातिक समावेशी 45% लागू करे के लागे भाद्र 8 गते अहाँ के निर्देशनात्मक आदेश जारी करे में हमरा सब सफल 1969 से 1973 जी 4 साल के यात्रा 4 साल के यात्रा 4 साल के बाद जाकर अपने सबके सफलता भेटल जी कतेक दिन के यात्रा के बाद भेटल सफलता जी काल कार्यान्वयन होते से कतेक विश्वास लगे अपने हमरा सब एकदम विश्वस्त छी देश के कानून प्रति आ देश के न्यायालय प्रति के डिसीजन जे छे वो पक्के कार्यान्वयन होते जल्दी से जल्दी हमरा सब अथक प्रयास कर रहल छी कि यही वर्ष यही शैक्षिक सत्र से विद्यार्थी भरना छोड़ने प्रक्रिया में अहाँ के जे समानुपातिक समावेशी सीट छुटिया के अलग से जे से लागू होते लेकिन हमरा सब पूर्ण रूप से विश्वस्त छी आ डीन से अहाँ के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के वीसी से भी हमरा सब के आश्वासन मिलल छै कि नहि एहि बेर से होबे करते आ नहि होते एकरा सब जबरदस्ती कोनो किस्म के बात तेहन करते तऽ एकटा आओर हमरा सब के रास्ता बाकी छै जे कानूनी रास्ता छै ओ छै अहाँके न्यायालय के अवहेलना के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहै छै ओकरा जे ओ छै एकटा क्रिमिनल केस लग जाइ छै अहाँके डीन के या तऽ वीसी के यदि ओ चार्ज जे लगतै तऽ ओकरा सब के पद से जे छै हटब पड़तै आ तकर बाद जे छै आंदोलन तऽ हमरा सब जारिये छै संपूर्ण विद्यार्थी संगठन आदिवासी जनजाति महासंघ सब जे छै हमरा सबके साथ में छै आ नेतृत्व हमरे और कर रहल छी मधेशी यूथ थिंक टैंक के तरफ से आ हमरा पूर्ण विश्वास छी कि एहि बेर से ई आरक्षण कोटा लगते के पूर्ण विश्वास छै। बिल्कुल मधेश समुदाय मधेशी मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन केलकै जी की बात एले जे आ मात्र मधेशी के आंदोलन केला से जी जे एम छै गोल छै पूरा नहीं हेतै ते द्वारा आदिवासी जनजाति सबके मंगोलियन फेस सब जे सब छै नै मंगोलियन एमे के मधेशी मधेशी छै उपेक्षित छै जी न ओहि समुदाय सबके जे मधेश सब बाहर छै जी जी एकदम मधेश में तो ओनाहु तो ऑलरेडी आंदोलन रहै एग्जैक्टली हुनका सबके जोड़ पड़तै तकर बाद राष्ट्रीय आंदोलन होतै जी जी एकदम एकदम से बात आयल रहै जी जी अपने सबके अइ जे अपने सबके अभियान रहै जी बड़का अभियान जैमे सफलता प्राप्त कयने छी अइ अभियान में हुनका सबके सहयोग कते रहल आदिवासी जनजाति सब हुनका सबके बहुत बढ़िया सहयोग रहले अइमे शुरुआत आंदोलन के शुरुआत से ही अहाँके आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ के साथी सब सब हमरा सबके सहयोग में छलखिन अखन तक के प्रोसेस में हुनका सबके साथ समर्थन आ एकटा एकवेदता आ एकटा डिटर्मिनेशन आ कमिटमेंट हमरा सबके छै हुनका सबके अखन आब जे छै जना कोर्ट के निर्देशन अयला के बाद भी अखन भी कार्यान्वयन के बाटो एकटा पाटो एकटा बाकी छै इम्प्लीमेंटेशन के बाद तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद के लागे हमरा सब कोर्ट के आदेश के निर्णय के अहाँ के ओकर आदेश के फोटोकॉपी सहित हमरा सब अपन 22 विद्यार्थी संगठन के निवेदन सहित अहाँ के जैसे वीसी कार्यालय डीन कार्यालय सबके जाके दऽ देने छी हमरा सब 24 घंटे एकरा सबके अल्टीमेटम देने छी कि अहाँ सब जे छै टीचिंग स्पेशली टीचिंग अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में जे छै अहाँके एंट्रेंस एग्जाम के नोटिस खुलि गेला के अवस्था छै आ 25-26 गते जे छै एंट्रेंस एग्जाम के डेट टोकल गेल छै ओकरा सब हमरा सबके कहलिए अहाँ सब यथाशीघ्र फैकल्टी बोर्ड के मीटिंग बैस के ई जे छै नोटिस के कैंसिल कऽ के है ना सीट छुटिया के तकर बाद जे छै अहाँके एग्जाम कंडक्ट करबै नहि तऽ अहाँके हमरा सब देश भरि में आंदोलन करब संपूर्ण मेडिकल कॉलेज में आंदोलन करब। एकटा
मधेसी समुदाय तो हमें मधेस के लड़का सब काठमांडू में रह के ओतक विशाल शहर जत अपना सब पावर से कही नहीं बहुत पछाड़ी छे एकदम एकदम वो तो जा कर कोनो खास मुद्दा पर खास सेंटिमेंट के साथ कोनो मूवमेंट करी छे जी जी वो में कतेक बड़का दबाव सब अबैत है से ओना तो बुझल जा सके अपने सबके यात्रा में केहन दबाव सब आयल केहन चुनौती सब सामना के लिए हमरा सबके यात्रा में तो बहुत चुनौती खेप पड़ल हमरा सबके बहुत संघर्ष करे पड़ल ये तीन चार साल के दौरान में जे किसी में एक दबाव धाक धमकी है ना तोरा सब में नहीं लागे से कोनो सफलता नहीं होतो आ तेहन किसी के हमरा सब निरुत्साहित करे के हिसाब से कते आदमी सब जना स्वचालित प्रोजेक्टेड आदमी सब जे मधेसी के आदमी सब से ओहो सबके दृष्टिकोण तेहन है लेकिन तोरा सबके आंदोलन ई सफल नहीं होतो तोरा सबके बेकार के मिशन छी 2063 में अंतरिम आदेश की कहे छै अंतरिम संविधान में भैल बात अखन तक स्थापित नहीं भेल तऽ तोरा सबके केला से दू चारि दस आदमी के टीम से के केला से नहीं है लेकिन हमरा सब पूर्ण विश्वास छै कि जब तक रिजर्वेशन नहीं लगते आगे ई देश बचबे वाला अभियान छे देश के साथ जोड़े वाला अभियान छे ई किया नहीं सफल हेतै क्योंकि हमरा सब पूर्ण विश्वास छलै हमरा सबके संघर्ष जारी छलै हालांकि हमरा सबके बहुत स्ट्रगल करय पड़ल बीच में आर्थिक अभाव एता होती है ना विद्यार्थी आंदोलन मूवमेंट में बहुत किस्म के बात होइ छै सबके जोड़नाय सबके कन्विंस केनाय है ना सब सबके जाके जना न्यायाधीश के जाके वकील के जाके रजिस्ट्रार के जाके वीसी के जाके डीन के जाके सबके आ एकटा बायस्ड आदमी आके हम नामे ले लै चाहब कि हुनकर जे छै नाम लेनाय बहुत जरूरी है ई सबसे बड़का बाधक छलै ई आंदोलन के क्रम में आके आ ई फैसला जे दिन बहस भेलै ओहो दिन बहस के बहस में जे छलै ओकर अप्रोच की छलै कि इस पाली लागू हुँदैन इस पाली देखि लागू जब जब सम्म चिकित्सा शिक्षा विधेयक आउँदैन समानुपातिक समावेशी विधेयक हाउस बाट आउँदैन तब सम्म चाहिँ यो चाहिँ यथावत रहन्छ जब सम्म एन बन्दैन तब सम्म चाहिँ यसमा लागू गर्न मिल्दैन कहिले उ बहस केले छले उ छिए अहाँके नारायण खनाल अधिवक्ता जे त्रिभुवन विश्वविद्यालयके अहाँके जे से कानूनी सल्लाहकार भी छै तऽ बड़का बायस्ड आदमी मधेसपति बड़का बायस्ड आदमी आ समानुपातिक समावेशी तो हुनै हुँदैन कहिके ओकर दिमाग में छै अखन तो छै आ अखन तो अहाँके ओहि दिन हमरा सब वीसी लग भेटे लग गेलिए अहाँके निवेदन ज्ञापन पत्र सहित तऽ ओ तऽ आब कानूनी सलाहकार तऽ लिए पड़तै ओकरा तऽ ओ कहलकै कि वीसी कहलकै हमरा सबके तीर्थखानिया जे से अहाँके जे कहलकै हामीले लीगल डिपार्टमेंट पठाइ सकै छौँ नारायण खनाल जी तऽ हमरा सब कहलिए हेलो सर तपाईँ भनेको एउटा प्रोग्रेसिभ मान्छे हो र यो अहिलेको बनेको सरकार पनि त्यो कङ्ग्रेस माओवादी र मधेस को सबैको सपोर्टले बनेको सरकार पनि यो चाहिँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति हो मधेसी जनता तपाईँको जनजाति दलित र जति पनि उत्पीडित वर्ग जनता छ सबैको लागि समान अधिकार पाओस् भन्ने उद्देश्यले नै यो चाहिँ सरकार बनेको हो गठन भएको हो र यसमा सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँकै 10 वर्ष सशस्त्र युद्धले स्थापित गरेको चाहिँ यो समानुपातिक समावेशीको अवधारणा हो त्यही भएर तपाईँ पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि कन्भिन्स गर्नु त्यो नचाहेको कुरा नलाग्यो यो देश बचाउने देशलाई जोड्ने देशलाई बलियो बनाउने चाहिँ यो अभियान हो त्यही भएर यसलाई सफल पारौँ तपाईँको कार्यकालमा यो सफल हुनुपर्छ कि हाम्रा सब जोरदार माग गरेर छ देख्यो अब हाम्रा सब काल काठमाडौँ जेबे प्रोसेस कता तक पुग्ले एकर बाद आन्दोलन जारी रहते आ हाम्रा सबके अथ सकभर प्रयास रहते कि एहि बेर आइएम टिचिङ अस्पतालमा जे छै अहाँके जे छै समानुपातिक समावेशी रिजर्भेसनके आधार से विद्यार्थी भर्ना छनौट होइ दर्शकबिन कार्यक्रम अपन विशेषमे डाक्टर सुकेन्द्र मण्डलजीके साथमे छी सर्वोच्च अदालत चाहल निर्देशनात्मक आदेशके विषयमे आ विभिन्न विभेद जे मेडिकल शिक्षामे छै यावत विषयमे बातचित कर रहल छी दर्शकबिन फेरसँ अपने सबके कार्यक्रममे स्वागत करी अपन विशेष कार्यक्रममे अपने सबके साथ आइ हमरा सबक अतिथि छथि डाक्टर सुकेन्द्र मण्डलजी जे एकटा मधेसी युवा आ मेडिकल स्टूडेंट जे भर्खरे पास आउट भेल छथि KMCसँ पढ़ने छथिन आ ई सब एकटा बहुत मधेसी आदिवासी जनजाति उपेक्षित वर्ग समुदाय के लेल एकटा अभियान चलाके ई सब एकटा हिनका सबके एकटा समूह छै एकटा अभियान चलाके सर्वोच्च अदालतसँ निर्देशनात्मक आदेश लाबऽ के लेल सफल भेल छथिन जे 45% आरक्षण होबयके चाही शिक्षण अस्पतालमे मेडिकल स्टूडेंट जे पढ़ऽ जाइ छै चिकित्सा शास्त्र पढ़ऽ जाइ छै हुनका सबके लेल सुकेन्द्र जी आप बात करी जी सरकारी अस्पताल जे टीचिंग छै यावत छै अपने KMC सब पढ़ने छी जी एकटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सब जी ओहिमे मधेसी विद्यार्थी सबके उपस्थिति केहन रहै छै ओले तऽ बहुत महगा शुल्क तीर्थ अपने पढ़ने होबे जी जी हमरा सबके टाइम में 28 लाख तीर्थ हम पढ़ने छी अखन तो 40-45 तक सुन रहल छी कि एडमिशन टाइम में ले छै लेकिन हालांकि आना छै अवस्था की छै कि कतौ भी अहाँ के देखल जाय तऽ मधेसी समुदाय के विद्यार्थी के तऽ इस उपस्थिति न्यूने मानल जाय तऽ 2-3% के अहाँ कहबे उपस्थिति भेलै तऽ ओ खासे नै लेकिन हालांकि पहिले के क्रम से किछु क्रम बढ़ल छै आ डोनेशन
तीर के पढ़नाइ अहाँ के जैसे अखन कनी आर्थिको अवस्था हमरा लगे मधेशियो जनता के जैसे कनी वृद्धि भेले है दू चार साल के दरमियान अहाँ के जैसे उपस्थिति कनी हल्का 1-2% बढ़ल छे पहले के अवस्था से रेमिटेंस के कारण से रेमिटेंस के कारण से और छे जो आर्थिक अवस्था कनी सुधरी भेला के कारण से प्राइवेट निजी मेडिकल कॉलेज सब में उपस्थिति छे अपने सब के जे एक अभियान रहे ने एक आंदोलन है कहियो ना एक आंदोलन रहे आंदोलन छले एग्जैक्टली आंदोलन रहे एग्जैक्टली मधेशी मोर्चा जे आंदोलन केने रहे हक अधिकार के आंदोलन ओ आंदोलन में अपने सब के आंदोलन में कोनो फर्क नहीं छे क्या तो वही समुदाय के लिए अपनो सब आंदोलन के लिए आ मधेशी मोर्चा मधेशी मोर्चा के कतेक सपोर्ट रहल अपने सब के काज में मधेशी मोर्चा हमरा सब जे दे टाइम में आंदोलन के लिए तो ओ टाइम में सबे मधेशीवादी दल के जते भी शीर्षस्थ नेता छथिन जना राजेंद्र महतो उपेंद्र यादव आ मोहन ठाकुर जी सबके जाके हमरा सब ज्ञापन पत्र दिली आ कहली कि हमरा सब आब आरक्षण आंदोलन में हुम गेल छी एमे अहाँ सबके साथ समर्थन चाहिए लेकिन हुनका सबके लगले कि युवा सब छे आब एनाहिते बातचीत भ रहल छै कि तेहन किसी में लाइटली लेलखिन लेकिन हमरा सबके तो डिटर्मिनेशन आ कमिटमेंट बहुत गहरा छले तो खासे सपोर्ट तो नहीं भेटले लेकिन एक मॉरल सपोर्ट है ठीक से बढ़िया कर रहा है अहाँ सब करू लागू हमारा सबके समर्थन है एमे कहकर तेहन किसी में आश्वासन भेटले सफलता प्राप्त भेला के बाद उनका सबके प्रतिक्रिया की रहे उनका सबके प्रतिक्रिया तो बहुत खुश छे छे छथिन सब नेता गण सब आ हमरा सबके जे जनकपुर आवे से एक दिन अगाड़ी राजेंद्र महतो जी बोलेलखिन हमरा सबके कि केना के प्रोग्रेस भेले एमे हमरा हमरो से कनी बातचीत एमे भ जाय के आ हुनकर शुभकामना एकटा धन्यवाद देलखिन हमरा सबके कि बहुत बढ़िया अहाँ सब काम के लिए आ ई जे से मुद्दा जो समानुपातिक समावेशी के मुद्दा है डॉक्टर की बोल कि अहाँ के उनका सबके अध्यक्ष गजेंद्र बाबू के टाइम से उठल मुद्दा छी तो अहाँ सब जैसे 50 साल से चल रहा मुद्दा के अखन जाके संबोधन कर लिए अहाँ सब हमारा बहुत धन्यवाद है अहाँ सबके अगाड़ी भी बहुत बढ़िया काम सब करू एमे लागू है ना शिक्षा के क्षेत्र में अहाँ सब लागल छी मेडिकल फेटर्निटी छी से संबंधित छी तो अहाँ सबके काम प्रति जे से हमरा सबके पूर्ण पार्टी उनका सबके एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल के हमरा सबके धन्यवाद देलखिन आ इससे पहले भी हमरा सब जे टाइम में ज्ञापन पत्र बुझे लगे छे तो वो सीरियसली लेने छलखिन ई बात एखन अप्रत्यक्ष रूप से देखल जाए तो ई सरकार के मधेशी मोर्चा के समेत समर्थन छे संघीय गठबंधन के समेत जी जी भले ही वो सब प्रत्यक्ष रूप में सरकार में मंत्री नहीं छथिन जी ई मुद्दा कारण करे के लेल जे अपने सब सफलता प्राप्त करने छे एकरा कारण करनाय बहुत जरूरी बहुत जरूरी छे तो मतलब एकर सरकार के दिस मधेशी मोर्चा की कर सके सब अपने सब संगे समन्वय करे छथिन कि नहीं जी एकदम बढ़िया प्रश्न के लिए हमें सरकार के तरफ से तो अखन तक में कोनो किस्म के ऑथेंटिक हमरा सब संगे वार्ता या बातचीत ओहन किसी में तो नहीं है लेकिन हालांकि अहि बीच में दू चारि दिन अगाड़ी प्रधानमंत्री प्रचंड के एक विज्ञप्ति टाइप के अलग टीवी में NTV से आयल लाइव प्रोग्राम तेमें इंटरव्यू में कहने छलखिन कि समानुपातिक समावेशी एक विद्यार्थी प्रश्न पूछने छले कि समानुपातिक समावेशी को लागि तो निर्देशनात्मक आदेश जारी करे सर्वोच्च इसमें के हो सरकार जी तो वही में प्रधानमंत्री के उत्तर छले कि UN लाई समानुपातिक समावेशी जुन जे अदालत ने निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्छ यसलाई यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्छ र जुन समुदायको व्यक्तिले जहिले पनि चाहिँ स्टेटमा रहे र जुन किसिमको एउटा बेनिफिट लिइरहेको थियो उनीहरूले पनि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ र मधेसी जनजाति दलित पनि यही देशको चाहिँ जनता हो यही दस उनीहरूले पनि ट्याक्स तिरेका छन् उनीहरू पनि बराबरीको हिस्सेदारी हुनुपर्छ शिक्षामा अझ त्यो पनि टेक्निकल एजुकेसनमा भन्ने किसिमको एउटा कम्प्रोमाइज गरेर उहाँहरूलाई अगाडि सार्नुपर्छ कि त्यहाँदेखि किसिमको पोजिटिभ विज्ञप्ति यसले हाम्रा सब अहिले बहुत पोजिटिभ छ कि अहि बेर चाहिँ कार्यान्वयन हुँदै गए आ मतलब रहि गेलै मधेसी मोर्चाके बात तऽ हुनका सबसँगे बातचीत भऽ रहल छै आ हुनका सब आश्वासन देने छथिन कि यदि किने कोनो किसिमके बाधा अड़चन हेतै तऽ हमरा सब लॉबिंग कऽ कऽ अहाँके हाउसमे बात उठेबे कहिके आ हमरा सब लगतै अइसे काठमाडौँ अइसे जनकपुर आबैसँ पहिले हमरा सबके जनजाति महासङ्घमे नरेन्द्र कुमार सँगे भेटल छलै जनजाति महासङ्घके जे अध्यक्ष छथिन आ हुनकर पूर्ण एहिमे जे छै एकबद्धता छै आ ओ कहने छथिन कि हमरा सब जल्द से जल्द आप जल्दी आवे वाला हाउस जहिया बैठते पार्लियामेंट के जहिया अथी हाउस बैठते ते हम जोरदार अपील करबे कि मुद्दा के जल्द से जल्द कार्यान्वयन हो मधेशी मोर्चा के तम जोड़ दिलिए जी ए संदर्भ से नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले आ माओवादी के मधेशी सब जी जे मंत्री एखन छथिन बहुते आदमी तकर बाद सांसद सब छथिन हुनका सबके अपने सबके केहो न सफलता आंदोलन के क्रम में वा अभियान के क्रम में नहीं किछु कहलखिन लेकिन सफलता प्राप्त भेला के बाद
बधाई शुभकामना सब आयल कि नहीं उनका सबके प्रतिक्रिया की एले एले जरूर एले उनका सबके प्रतिक्रिया एले जे अहाँ के जैसे मदेशी मूल के छे नेताजी सब अपने के जना सबसे पहले तो हमने नाम लेना चाहब अखन तथा प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री भीमेन नीतीश दाजू वो जैसे हमरा सबके पर्सनली फोन करके बधाई दिलखिन कि अहाँ सब बहुत बहुत बढ़िया काम के लिए तकर बाद प्रभु साह माओवादी के तकर बाद जैसे अहाँ के मातृका यादव इनका सबके साथ समर्थन छे इंटरनल लेकिन अहाँ सब ओपन ओपन नहीं छे लेकिन भीतर से साथ समर्थन छे आ प्रचंड तक बातों पहुँचेने छे मातृका दाजू उनका हम धन्यवाद दिला चाहब आ सफलता भेटला के बाद सब नेतागण सब फोन केलखिन हमरा सबके बधाई देलखिन कि बहुत बढ़िया काम के एमाले के मदेशिया सब जी हुनका सब संगे तो ओते टच में हमरा सब नहीं छे आ नहीं टच करे के ओ सब कोशिश केने छे जी जी अखन तक के अवस्था में जी एकटा संदर्भ जोड़े छे डॉक्टर गोविंद केसी अपने सन एकटा मेडिकल स्टूडेंट के लेल चर्चित नाम जी जी आ नेपाल में अखन मेडिकल शिक्षा के लेल बहुत निक मार्क सब रखने छे डॉक्टर से मार्क के अपने सबके मार्ग डॉक्टर गोविंद केसी के मार्ग में छे कि नहीं देखियो एना छे हमरा सब जहिया डॉक्टर केसी आठों अनशन बैठले बैठल छले तो वही टाइम में हमरा सब जैसे डॉक्टर केसी के अगेंस्ट में छली किया कि जे माथेमा प्रति माथेमा आयोग के प्रतिवेदन के अथा शीघ्र लागू करे पड़ते कह के ओ जैसे अनशन बैठल छलखिन ओ माथेमा आयोग के प्रतिवेदन के पहिलो बुदा जैसे कथी हमरा सब अपोज केने छलिए कि जे कार्यदल बनले माथेमा आयोग के जे कार्यदल बनले ओ सात सदस्य कार्यदल में एकोटा मधेशी ने देखले एकोटा मधेशी के तो प्रतिनिधित्व करबक चाहिए या तो जनजाति दलित कोनो में से अहाँ के टेक्निकल एजुकेशन में तो मधेशी तो बहुत अगाड़ी है इंजीनियरिंग में मेडिकल साइड में तो बहुत अगाड़ी है ओते टॉप टॉप डॉक्टर है लेकिन उस सात सदस्य में एकोटा मधेशी के ओमे जैसे सहभागिता नहीं फर्स्ट बुदा तो हमरा सबके की छले कि यो जुन कार्यदल बनेको त्यो खारिज हुनु पर्यो नया कार्यदल समावेशी बनाएर कार्यदल बन्नु पर्यो र त्यसले चाहिँ दूरगामी सोच बनाएर सम्पूर्ण देशभरिको चिकित्सा क्षेत्रलाई राम्रो हुने गरी एउटा 20 वर्ष 30 वर्ष 50 वर्ष चाहिँ तपाईँको कार्ययोजना बनाएर त्यस किसिमको चाहिँ अध्ययन गरेर अझै डिपली समावेशी गरेर त्यस किसिमको प्रतिवेदन आयो भने मात्रै मान्नेछौँ हामी मान्ने छैनौँ कुनै पनि हात मुखे कि हाम्रा सब के चाहिँ समाज कल्याण जे समिति छ रन्जु झा सभापति छथिन उनका जाके ज्ञापन पत्र दिल ओहो जे छ हाम्रा सबै आश्वासन दिलखिन आ डॉक्टर भगवान पोइरा लागे पर्सनली फोन करके कहलखिन कि तपाईँहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा फल्ट छ डिफल्ट छ मधेसी विद्यार्थीहरू टिचिङका विद्यार्थीहरू मलाई आएर ज्ञापन पत्र दिएका छन् जबसम्म तपाईँहरू उहाँसँगहरूसँग सबैसँग छलफल गर्नुहुन्न जबसम्म त्यो समावेशी हुँदैन जबसम्म यो दूरगामी सोच बनाएर चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको देशभरिको चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार गर्ने किसिमको चाहिँ अवधारणा आउँदैन तबसम्म यो विधेयक अगाडि बढ्नेवाला छैन भने क्लियरली कहलखिन आ स्ट्यान्ड लेकिन हुनको हम धन्यवाद दिन चाहबै कि अखन तक के चिकित्सा शिक्षा विधेयक रोकैमे हमरो सबके पहल रहले हुनकर त स्ट्यान्डे छै अखन मतलब कोऑर्डिनेशन मिल रहल जी डॉक्टर गोविंद केसी के किछ मांग सब जाय छै बढ़िया छै जना लेकिन हमरा सबके विमति कोन कत छलै एक त अहाँके जे छै कार्यदल समावेशी नै भेलै कहिले तकर बाद सेकेंड पॉइंट भ गेलै अहाँके जे किसिम अखन त अहाँके देश पावर डिसेंट्रलाइजेशन के मार्ग में चलि रहल छै नि त लेकिन डॉक्टर केसी कथी कहै छै कि माथेमा आयोग के प्रतिवेदन डॉक्टर केसी नहीं कहै छै माथेमा आयोग के प्रतिवेदन की कहै छै कि चिकित्सा शिक्षा को इंट्रांस एग्जाम सेंट्रलाइज हुनु पर्यो काठमाडौँ मात्र हुनु काठमाडौँ केन्द्रित मात्र हुनु पर्यो र एउटा मात्र एग्जाम हुनु पर्यो देशभरि में ई कता तक के पावर शेयरिंग के बात भेलै जना फॉर एग्जांपल अहाँके हम एकटा कहला चाहब जना जनकपुर के विद्यार्थी या सिराहा के विद्यार्थी या रोहतक के विद्यार्थी अहाँके जब सेंट्रलाइज एग्जाम भऽ जेतै या तऽ अखन तो एनाहिते भऽ रहल छै आ एकेटा जे सपोज एग्जाम भऽ जेतै तऽ एकटा गरीब वर्ग निम्न वर्ग जकरा लागि हम अहाँके अधिकारके लागि लड़ि रहल छी ओ विद्यार्थी कते आर्थिक भार पड़तै कि ओ काठमाण्डू जेतै बस चढ़िके एक तऽ फॉर्म भरतै फॉर्म अहाँके जे 3500 रुपया छै अते महग सरकारी कॉलेजमे फॉर्म आइ तकमे जे हमरा सब दोसर इशू से बनै छै दोसर वर्षमे हमरा सब एहिमे भी अथी करबै कि मिनिमम 500 भन्दा बढी हुनु हुँदैन स्वाभाविक बात छै ने अहाँके जेना एकटा विद्यार्थी दुटा तिनटा स्ट्रीम में भरबे करते एमबीबीएस में भरते अगर मतलब ही नहीं कि एमबीबीएस में भैया तो ऑप्शन रखबे करते तो बीपीएस भरते बीएमएलटी भरते कुछ मानू के चलो एक टा में भरे लगे 3500 रुपया लगते दुटा तीनटा में भरते 10,000 तो भग गए अगे जैसे काठमांडू बस चढ़ के जेते एते समय के अथी भेले वही जाके 5 दिन 10 दिन रहते तो 20,000 30,000 यदि एक एग्जाम दिल अहाँ लगे खर्चा तो अहाँ तो सीधा अवरोध कर रहा वर्ग समुदाय के विद्यार्थी के अगड़ी नहीं भरे के लिए अहाँ तो रुकावट डाल रहा एक गेट बना देने आयरन गेट बना देने
तो ते सब में हमारा सबके विमती छे जना फी स्ट्रक्चर के बात है डॉक्टर गोविंद केसी फी स्ट्रक्चर के बात के कि संपूर्ण देश भरी में 35 लाख रुपया भन्दा कुछ चाहे मेडिकल कलेज में बड़ी फी होने हुँदैन। एक हम अहाँ के उदाहरण दिला चाहब जना एक मेडिकल कलेज को काठमांडू में संचालन है आ एक अहाँ के विराटनगर एक पश्चिम में सपोज मान चलू तो एक जे काठमांडू में मेडिकल कलेज है ओकर संचालन कॉस्ट आज पूर्व पश्चिम सुदूर पश्चिम में है ओकर संचालन कॉस्ट में कते अंतर बेसी हेतै ना किया कि सब कुछ के आगे मेंटेनेंस डॉक्टर हायर करा पड़तै करा पड़तै है ना हर एक चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बात है हर एक फैसिलिटी के बात है तो कना ई संभव छे प्रैक्टिकल नहीं मिले ना जे किसिम के आहा के निजी क्षेत्र के में संपूर्ण देश भर के आहा के स्वास्थ्य क्षेत्र में जे किसिम के एकटा योगदान छे ओकरा जे से माफियाकरण कह के जे किसिम के डॉक्टर गोविंद केसी जे विज्ञप्ति देलखिन हर एक मीडिया में मास में पत्रिका में हर एक जगह लेकिन ई कते तक के जायज आ न्यायवाद भेलै मतलब केंद्रीकृत जे प्रणाली छे जी ओकरा विकेंद्रित करना है हमरा सबके मांग छे सरकारे शुल्क तो कर पड़ते सरकार के एकटा वेल डिफाइंड मेकानिज्म बनाबो जना अहाँ के जे है से ओकर प्रत्येक 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष में एकटा जे है से मूल्यांकन कॉस्टिंग के हिसाब से वो एकटा मूल्यांकन समिति होए जैसे मॉनिटरिंग कमिटी होए है ना वो निर्धारण करे फी स्ट्रक्चर के बारे में। अपना सब कार्यक्रम के अंत में छी बहुते समस्या सब हेतै जना अपने अखन एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा के जो फॉर्म छे 35 से कहली अपने जी जी ओहन ओहन समस्या सब की छे अपने सबके विचार में बहुत ही समस्या छे ओहन अखन तो आगे जे छे आरक्षण लगला के बाद एक तो ई कानूनन के पाटो में एकरा सब आना कनी कर रहल छे सबसे इंपोर्टेंट बात ओते बगा सर्वोच्च के न्यायाधीश के जे निर्देशन के बाद भी तेकर बाद आगे जे छे फी स्ट्रक्चर के बात भेले आके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एकेदार जे सेंट्रलाइज करे के कोशिश भ रहल छे काठमांडू केंद्रित करे के कोशिश भ रहल छे से एकटा बड़का इशू छे अखन अखन के अवस्था में आके जे मधेशी जनजाति दलित विद्यार्थी के जे छे आके तो ई कट ऑफ लिस्ट जे है से 50% जे छे ने हमरा सब त आब इहो मांग उठि वाला छी कि आब जब तक तपाई यदि इक्वालिटी गर्न चाहनु हुन्छ भने त्यो 50% ला है 50% मार्क ला त अ 45 गर्नु या त 40 गर्नु जना इन्डिया मे छ आके तब न इक्वालिटी हेते कना कम्पिट करते कमजोर समुदाय के विद्यार्थी एक बेर जाके कना कम्पिट कर सकते नहीं कर सकते यदि अहाँ सबके रिजर्वेशन के इशू कथी कथी ला उठले अहाँ के जे निधि समुदाय है क्लस्टर है वो आदमी सबके इक्वल अधिकार भेटे स्वास्थ्य में शिक्षा में हरेक निकाय में तो अहाँ इक्वालिटी करे के मनसाइए नहीं अहाँ के नियते खराब है तेन किसी के बहुत ही समस्या है हमरा सब इशू वाइज में लगबे अगाड़ी भी संघर्ष में रहबे बाकी बहुत समस्या सब छे ओइमे अपने सब एकटा बिरामी के जना इलाज करै छी तहिना सब समस्या के इलाज कर सफल होइ अपने सब के शुभकामना आ ए आदेश के लेल अपने सब के बधाई सेहो अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी बाबा हम संपूर्ण अपन टीवी के धन्यवाद देना चाहे जी हमरा बोलेलिए जे हमर अपन बात हमरा सब के ई अभियान में जे छले हमरा सब के संघर्ष के बात ओकर बाद जे सर्वोच्च के निर्देशन के बात ई सब राखे के मौका देली ओकर लागि अहाँ के संपूर्ण अपन टीवी परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे दर्शक बिंदी छल डॉक्टर सुगेंद्र मंडल जी एक मेडिकल स्टूडेंट जो भर्खरे पास आउट भेल छथिन निजी विद्यालय सब वहाँ कहीं कॉलेज सब पढ़ के आ इनका संगे बातचीत कलूँ सर्वोच्च अदालत के जे आदेश आयल छे ओकर संदर्भ में ओकर कार्यान्वयन में की चुनौती सब छे मेडिकल शिक्षा अर्जन करे के लिए की चुनौती सब सामना करे पड़े उपेक्षित समुदाय के आ आदेश के बाद एक भविष्य सुनिश्चित होबे के निश्चित छे मुदा एकरा कार्यान्वयन करनाय जरूरी छे एमे मधेशी मोर्चा नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी भीतर के मधेशी जनजाति नेता सबके समेत अग्रसरता लेबे पड़ते कार्यक्रम अपन विशेष के निर्धारित समय समाप्त भेल संपूर्ण यूनिट के जवाब आज्ञा दिया नमस्कार।